फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी एम स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड वीडियो है एंड ये सेकेंड पार्ट है, हाउ टू मेंटेन फेस इन डेली रूटीन टू रिड्यूस पिंपल। ये मेरा सेकेंड पार्ट इसीलिए है क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कैसे मैं अपने पिंपल को रिड्यूस करूँगी, कैसे मेरा पिंपल ख़त्म होगा, कितने हद तक ख़त्म होगा, वो मैं आपको सेकेंड पार्ट में दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं आपको पिंपल का रिजल्ट बताऊंगी, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आपको स्टेप वाइज जाना है डे टू नाइट। आप देख सकते हैं कि मेरा पिंपल कितने हद तक कम हो चुका है, सिर्फ ये दाग ही बाकी है, नहीं तो पूरा प्लेन हो चुका है, कुछ भी पिंपल नहीं है। तो अब मैं ये रूटीन एक दो हफ्ते के लिए फॉलो करूँगी तो मेरा ये दाग भी चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देती हूँ कि इस रूटीन को आप भी फॉलो कीजिए। तो आज मैं आपको पिंपल से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड सजेशन भी देना चाहती हूँ। तो अगर आप धूप में निकले तो अपने मुंह को स्कार्फ से ढक लीजिए, अपने पिंपल को धूप और बाहर के पॉल्यूशन से छुपा के रखिए। और इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, स्कार्फ यूज़ करना। इससे हमारा पिंपल बाहर के इन्फेक्शन से भी बच पाएंगे और धूप से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं घर को, तो मैंने जो स्किन का रूटीन बताया, मतलब कि अगर आपका स्किन ड्राई है आप आटा यूज़ कीजिए, अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप बेसन यूज़ कीजिए। तो वही क्लिंजिंग प्रोसेस से आप अपना फेस क्लिंजिंग करें, तो इससे आपका फेस इतना हार्म नहीं करेगा, आपको जो धूप रेडिएशन लगेगा वो क्लिंजिंग करने से इतना भी हार्मफुल आपके फेस के लिए नहीं होगा, आपका सन प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। दूसरी बात यह है कि आप अगर मेकअप लगा रहे हैं तो मेकअप आप अपने फेस में ज़्यादा समय के लिए ना रखें, आप मैक्सिमम 5 से 6 घंटे तक अपने फेस पे टिके रहने दें, उससे ज़्यादा मत रखें। क्योंकि मेकअप के सारे प्रोडक्ट केमिकल से बने होते हैं और केमिकल हमारे पिंपल को ज़्यादा ही हार्म करेगा, जिससे और भी पिंपल बढ़ सकता है। तो अगर आप अपने फेस के लिए अच्छा चाहते हैं तो आप मेकअप अवॉइड कीजिए। अगर आप मेकअप यूज़ किए हो तो उसे ज़्यादा समय तक ना रखें और घर आके अपने फेस को क्लींजिंग करके फिर लेमन और हनी लगा के सो जाइए। इससे आप अपने मेकअप के रिएक्शन से बच पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको पानी के बारे में कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पानी हमारा हर प्रॉब्लम का सलूशन है, इससे हमारा हेल्थ, फेस और हेयर भी ठीक रहते हैं। और अगर आप अपने पिंपल को ठीक करना चाहते हैं तो एक दिन में एटलीस्ट 8 ग्लास पानी पीजिए या मैक्सिमम 3 से 4 लीटर पानी पिया कीजिए। आप अगर पानी पियेंगे तो आपका ब्लड प्यूरीफाई होगा और ब्लड प्यूरीफाई हुआ तो आपका पिंपल भी ठीक होगा। आप इस रूटीन को और ये बातों को ज़रूर फॉलो करना, फिर देखना आपको रिजल्ट कितना पॉजिटिव मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन ना हो आपको नोटिफिकेशन आए।